खेती हो रहा है यहाँ पर। हम लोग भी रास्ते में आ रहे थे तो हम लोग को सांप मिल गया भाई साहब। ये देखिए कराई थे ना अंकल, ये कराई थे ना। हाँ, ये कराई थे। बहुत खतरनाक होता है ना, काटता है ये तो। कराई था भाई साहब, एक बार काट देगा खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय, आप चले जाओगे भगवान के पास, समझ ही सकते हो इतना खतरनाक ये सांप है। क्या कर रहे हो? I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। ये देखिए टेढ़ा गांव को ही जाता है, तो हम लोग को जाना है सीधे। आप लोग भी सीधे आइएगा यहाँ पर, इस रास्ते से आप जाइएगा। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope आप सभी अच्छे होंगे। तो आज मैं वहाँ आया था कुछ काम से, तो मैं सोचा कि आपको डैम भी दिखा दूँ जो कि इधर ही पड़ता है, 5-6 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए कन्हर सिंचाई परियोजन पुनिवार्स कॉलोनी बनने वाला है। ये जब डैम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको आगे का भी दिखाता हूँ। वहाँ पर घर बन रहे हैं खूब सारे, आपको वहाँ बोर्ड भी दिख जाएगा। ये देखिए छोटा सा अमवार का मार्केट है, ये डैम के पास आपको मिल जाएगा। ट्रक्स 40-45 मिनट्स लगे हम लोग को यहाँ पर अमवार डैम पास आने के लिए। इट फार अवे फ्रॉम अवर होम, इट इज अबाउट 18-20 किलोमीटर अवे फ्रॉम अवर होम टाउन। तो 4 बजे निकले थे, 5 बज गया भाई साहब यहाँ तक आने में। तो मैं आपको दिखाता हूँ डैम के पास का ये नज़ारा है भाई साहब। देखिए वो देखिए पुल बना हुआ था वहाँ तक जाने के लिए, बट वो टूट गया बाढ़ के आने की वजह से। अब देखिए डैम, इसकी कंस्ट्रक्शन कम्प्लीट ही हो। मैं सोचा था आपको दिखाऊंगा पास जाकर डैम के पास, लेकिन जा नहीं पाएंगे, रास्ता टूट गया है वहाँ पर। बगल में एक बड़ा सा मंदिर भी है, काफ़ी खूबसूरत है। मैं सोचा आपको वो भी दिखा दूँ, देख लो आप लोग, यहाँ तो आया हूँ तो आप लोग भी आना तो दर्शन कर लेना भगवान जी के, ज़रूर से ज़रूर। ये देख सकते हो आप लोग, रास्ता टूटने की वजह से कितना दिक्कत हो रहा है गाँव वालों को, गाड़ी भी पास नहीं हो पा रही है यहाँ से। होप जल्दी बने, तो मैं आपको जाऊँगा तो ज़रूर दिखाऊँगा। हम लोग जा रहे हैं मंदिर के पास, तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। ये देखिए बगल में मंदिर है, मंदिर जाने का रास्ता है। ये देख सकते हो मंदिर, यहाँ देखिए मंदिर है, मैं आपको पास जाकर दिखाता हूँ। तो हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं, तो मैं मंदिर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मेरे पीछे काफ़ी बड़ा मंदिर है, देख ही सकते हो, साउथ वाली स्टाइल में बना है भाई साहब। और बगल में ही डैम है मेरे पीछे, देख सकते हो आप, ये देखो डैम है पीछे। हम लोग मंदिर के पास जा रहे हैं, मैं मंदिर के पास हूँ। इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है, बाहर से कुछ और था भाई साहब, अंदर से कुछ और है। ओ चूना लगा दिया अंदर, अभी देख ही सकते हो, दिखा नहीं सकता, इतना गंदा हालत है उसका, कुछ कह नहीं सकते हैं। अभी कंप्लीट हो रहा है, अभी बन ही रहा है धीरे धीरे, बाकी की इसके कंप्लीट हो गए डिजाइन वगैरह। मैं क्या ही बोलूँ, बाहर से कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे मुंडी लाओ और बोलो अच्छा है, अच्छा है, मत बोल सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। अंदर तो उतना सही नहीं है, लगता है डैम ही के साथ ये भी कंप्लीट होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है। ये देखिए ऊपर का डिज़ाइन काफ़ी देख रहे हो, हार्ड वर्किंग। तो मैं आपको मंदिर दिखा दिया, मंदिर देख ही लिए हो गए आप लोग, अंदर तो कुछ था ही नहीं भाई साहब। 5 साल हो गए भाई साहब, अभी तक इसका कंस्ट्रक्शन नहीं कम्प्लीट हुआ है, 2 साल अभी और लगेंगे जिस हिसाब से मुझे लगा। ये देखिए छोटे बच्चे नाचते हुए, कुछ भी। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों को शेयर करना, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय, सी यू। आहा आहा नचिया।